नमस्कार बच्चों, आज हम एनसीईआरटी 6 क्लास में ज्योग्राफी में सेकंड लेसन देखते हैं, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। बच्चों, इस लेसन को समझने से पहले हमें जो है वो ग्लोब के बारे में अच्छे से समझना होगा कि ग्लोब होता क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो है ये ग्लोब होता है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? बच्चों, थोड़ा सा मैं एक बार ग्लोब के बारे में बता देता हूँ कि इस ग्लोब को जो है सबसे पहले मार्टिन बेहेम ने बनाया था। किसने बनाया था? मार्टिन बेहेम ने। क्यों बनाया था? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमें जो है ग्लोब की जरूरत पड़ी थी। ग्लोब है क्या? ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा रूप है जिसको हम पृथ्वी को समझने के लिए जो है वो इस ग्लोब का उपयोग करते हैं। समझ पा रहे हैं? बच्चों, इसमें क्या है, इस ग्लोब को समझने से पहले ये देखते हैं कि हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया ग्लोब का, और हम देखते हैं इस ग्लोब में आपको जो है वो चार बिंदु महत्वपूर्ण मिले हैं, और उन चारों बिंदुओं को जो है हम एक एक करके समझेंगे और उनकी अपनी एक विशेषता को भी हम देखेंगे। यहाँ पे इस ग्लोब पे जो है ये आप इस तरीके से कुछ लाइनें देख रहे हैं। ये जो लाइनें होती हैं ये अक्षांश और देशांतर होती हैं। हम इनको भी समझेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ग्लोब के बारे में। ग्लोब का ये जो है ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका दक्षिण पोल है, ये आपका पश्चिमी हिस्सा है, और ये आपका पूर्वी हिस्सा। समझ पा रहे हैं बच्चों? अक्षांश रेखाएं जो होती है वो ईस्ट को वेस्ट से मिलाने का काम करती है। ईस्ट को वेस्ट से मिलाने का काम करती है। तो हम अक्षांश के बारे में समझते हैं कि वे रेखाएं जो ईस्ट को वेस्ट से मिलाने का काम करती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाएं मानव निर्मित रेखाएं होती है जिसका उपयोग जो है हम पृथ्वी को समझने के लिए करते हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती है वो स्थिति बताती है कि अवस्था, स्थिति मतलब अवस्था बताती है कि कोई भी जगह जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो है अक्षांश रेखाएं अवस्था बताएगी, स्थिति बताएगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती है ये समानांतर रेखाएं होती है, एक दूसरे के समानांतर रहेंगी। तो जो आप लोगों को यहाँ पे 0 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये 0 डिग्री जो है इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा दोनों कहते हैं हम। ये जो 0 डिग्री है ये 0 डिग्री पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। जो ऊपर का हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध है और जो नीचे का हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध है। और ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच जो दूरी होती है वो दूरी रहेगी बच्चों 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। हम यहाँ पे दो अक्षांश रेखाओं के बीच जो दूरी है वो तीन तरीके से देखेंगे। वो दूरी जो होगी तीन तरीके से कैसे होगी? हमने दूरी किलोमीटर में देख ली, 111 किलोमीटर दूरी है। अब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य जो डिग्री में डिफरेंस होता है, जैसे ये 0 डिग्री है या फिर 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। और इसी प्रकार से जो है नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी 1, 2, 3, 4, 5 करते करते जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी डिग्री में, जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री के मध्य जो दूरी रहेगी वो 1 डिग्री का डिफरेंस है। समझ पा रहे हैं?
फिर तीसरी बात ये आती है कि एक डिग्री से दूसरी डिग्री में, एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा में जाने में कितना समय लगता है, वो समय हम देखते हैं बच्चों कितना लगेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक जो वृत्त होता है, एक वृत्त जो होता है वो कितनी डिग्री का कोण बनाती है बच्चों? ये जो वृत्त है, एक वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाती है, समझ पा रहे हैं जी? 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये जो 360 डिग्री का कोण बनाती है ना, जैसे कि आपको पता है कि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी दो प्रकार से घूर्णन कर रही है, एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है और एक जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। पृथ्वी जो है ऐसे अपने अक्ष पे घूम रही है बच्चों, ठीक है ना? और जो वो अपने अक्ष पे घूम रही है, उसके अपने अक्ष पे घूमने की दिशा जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होगी। इस प्रकार से ये पृथ्वी हमारी ऐसी है, तो ये इस प्रकार से रोटेट करेगी, इस प्रकार से घूमेगी, नहीं कि इस प्रकार से यहाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगी बच्चों। वो जो अपने अपने अक्ष पर जो घूम रही है उसका एक चक्कर जो है वो 24 घंटे में पूरा होता है, समझ पा रहे हैं? अब उसका एक चक्कर 24 घंटे में पूरा हो रहा है, इसीलिए 24 घंटे की जो है वो क्या होता है, एक दिन होता है, समझ पा रहे हैं जी? अब ये 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा किया है इसने, 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा किया है, तो एक घंटे में कितना करेगा, एक घंटे में कितना करेगा बच्चों? तो हम जो है 24 को इससे डिवाइड कर देते हैं, कितना आता है हम डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा बच्चों? बात करूँ 24 बताइए 36 और हमारे पास अंश पर आता है 15 डिग्री, समझ पा रहे हैं? 15 डिग्री कैसे आया, हमने 24 से 360 को डिवाइड किया है जब आके हमारा 15 डिग्री आया। अब एक घंटे में 15 डिग्री कवर करता है, तो एक घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा? अब एक 60 मिनट में 15 डिग्री चलता, एक मिनट में कितना चलेगा बच्चों? तो हम उसको जो है वो इसको हम डिवाइड कर देंगे 15 से, कितना आ गया हमारे पास 4 मिनट। अब क्या हुआ कि एक डिग्री जो है वो कवर करता है कितने में, 4 मिनट में। अब आपको समझ आ गया कि एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा में पहुंचने में समय कितना लगता है, 4 मिनट। और बच्चों समय ये जो है वो पहुंचने की जो गति रहेगी वो पृथ्वी की जो घूर्णन करने की गति ना, उस गति के अकॉर्डिंग है, न कि आपके हमारे गति करने की गति, हमारे जो है वो जो हमारी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग है। ये पृथ्वी की जो गति चल हो रही है ना, जिस स्पीड से, उस स्पीड की बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? आप लोगों ने देखा कि अक्षांश रेखाएं जो है वो मानव निर्मित अक्षांश, मानव निर्मित होती है, ये जो है समानांतर होती है, इनकी जो आपने जो डिस्टेंस देखा वो भी देखा कि डिस्टेंस जो है वो 3 तरीके से हमने देखा, किलोमीटर में, डिग्री में और टाइम में, समय में। फिर बात आती है कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है। जैसे कि आप लोगों को बताया है कि 0 डिग्री से आप ऊपर चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करते करते आप जो है वो 90 डिग्री तक पहुँच जाएंगे, और इसी प्रकार से नीचे आप 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए 90 डिग्री तक पहुँच जाएंगे। तो ऊपर जो है वो 90 है और नीचे जो है वो 90 है, समझ रहे हैं? 90 प्लस 90 कितना होगा बच्चों, 180 हो गया। अब हमने 1 to 90 और 1 to 90 यहाँ पे देखा, 0 डिग्री हमने काउंट नहीं किया, भूमध्य रेखा हमने यहाँ पे काउंट नहीं की, तो एक जो है वो भूमध्य रेखा हो जाएगी। अब भूमध्य रेखा को भी काउंट करेंगे क्योंकि भूमध्य रेखा भी तो एक अक्षांश रेखा है, तो यहाँ पे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी हमारे पास है, 181, समझ पा रहे हैं बच्चों जी? इसी प्रकार से जो है हम देशांतर रेखाओं को समझते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। फिर एक बात और रहती है कि जैसे 0 डिग्री पर हमने देखा विषुवत रेखा है, और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आप 23.5 डिग्री उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आप जो है वो देखते हैं कौन सी रेखा रहेगी,
वो रहेगी आपकी कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा रहेगी और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो है वो आर्कटिक वृत्त रहेगा। समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में आपके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में अंटार्कटिक वृत्त रहेगा। समझ पा रहे हैं बच्चों? यहाँ पे जो है हमारी अक्षांश रेखाएं कंप्लीट होती हैं। अब बात आती है देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये अक्षांश रेखाओं की तरह ही मानव निर्मित होती हैं। इन दोनों रेखाओं का जो है वो इंसान की जो संरचना है, ये जो रेखा है ये इंसान की संरचना है। और ये जो देशांतर रेखाएं होती है ये उत्तर को दक्षिण से मिलाती है। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से ये जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं, तो जिसको इंग्लिश में हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं और अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में हम लैटिट्यूड कहेंगे। अब ये जो देशांतर रेखाएं होती है बच्चों, जैसा कि आपने देखा था कि अक्षांश रेखाएं स्थिति बताती है, उसी प्रकार से देशांतर रेखाएं जो है वो समय बताती है। समझ पा रहे बच्चों? समय बताती है, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं कि देशांतर रेखाओं के बारे में और कुछ जानते हैं बच्चों। देशांतर रेखाओं में आप देखेंगे कि यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 करते करते आपको यहाँ तक पहुँचेंगे, तो आप 1, 2, 1, 8 तक पहुँच जाएंगे। जिनकी संख्या काउंट कर रहे हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे आप स्टार्ट करते करते हैं। जैसे कि ये आपका ग्लोब है, इस ग्लोब में इस प्रकार से जो है ये ऊर्ध्वाधर है। अक्षांश रेखाएं देखी थी आपने, ये समानांतर है पर जो देशांतर रेखाएं हैं ये ऊर्ध्वाधर है। ये ऊर्ध्वाधर कैसे होगा मैं आपको स्पष्ट करके बताऊंगा, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो है ये जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। अब आप ये चीजें समझो कि ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है इस, ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर। बिल्कुल इसके फ्रंट में, बिल्कुल इसके बैक में जो है, बिल्कुल इसके बैक में ये है 180 डिग्री। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ 0 डिग्री से इधर चलेंगे, पूर्व की तरफ चलेंगे तो 0 से 1, 2, 3, 4, 5 करते करते पीछे तक आप जो है 180 पर पहुंच जाएंगे। और इसी प्रकार से आप 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ चलेंगे तो 1, 2, 3, 4 करते करते जो है 180 तक यहाँ पर, यहाँ तक आप आ जाएंगे। तो इस बात से आपको पता चलता है कि आप जो है 1 से 180 तक आगे, पश्चिम में भी और पूर्व में भी 180 तक आ गए। पर बच्चों ये जो 180 जो बार बार दो बार जो आया है ये एक ही पॉइंट है। ये जो आपने पीछे ये पॉइंट देखा था ना, ये ही पॉइंट जो है 180 का है। आप उधर से जा रहे हैं तो भी ये काउंट हो रहा है, उधर से जा रहे हैं तो भी ये काउंट हो रहा है। यहाँ पे ये दो बार काउंट हो रहा है पर हमने दो बार काउंट नहीं करना है इसको। तो हम क्या करते हैं कि 180 to 179 करते हैं। इधर से चलेंगे पूर्व की तरफ 1 से लेके 179 तक, उधर से चलेंगे 179 तक। तो 179 + 179 कितना हुआ बच्चों, कितना हुआ बच्चों, 358 हो गया ना। अब बच्चों ये 358 देशांतर रेखाएं हैं पर दो रेखाएं तो हैं, जैसे यहाँ पे था 0 डिग्री और इसके बिल्कुल बैक साइड में था 180 डिग्री। तो उन दो देशांतर रेखाओं को भी हम यहाँ पे काउंट करेंगे। समझ पा रहे हैं? एक हो गया 0 डिग्री और एक हो गया 180 डिग्री। अब उन दोनों को भी काउंट करेंगे तो हमारे पास कितने डिग्री हो गया, 360। और मैं आपको स्टार्ट में ही बताया था कि एक वृत्त जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। समझ पा रहे हैं? और उसी प्रकार से जो है आपकी जो देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी हुई, 360 डिग्री। समझ रहे हैं? 360 जो है आपकी देशांतर रेखाओं की संख्या होगी। और जैसे कि आपको बताया गया है कि ये जो है समय बताती है, हमने ये देखे कि ये किस काम आती है, समय बताती है, और ये भी देख लेते हैं कि संख्या कितनी है।
समझ पा रहे हैं हमने वो भी देखा। फिर बात आती है कि ये जो देशांतर रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं जो होती है, इनको हम और किस प्रकार से समझ सकते हैं, हमने वो चीजें भी देखना है। अब एक जैसे कि हमने दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच का जो डिस्टेंस था वो समझा, अब हम देशांतर रेखाओं के बीच का डिस्टेंस जो है दो देशांतर पर जो थोड़ा सा गौर से समझेंगे, दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी है यहाँ पे दो प्रकार से दूरी मिलेगी आपको, एक मैक्सिमम दूरी मिलेगी और एक मिनिमम दूरी मिलेगी। बच्चों जो मैक्सिमम दूरी है जो आपने 0 डिग्री विषुवत रेखा लिखा है, भूमध्य रेखा लिखा है, तो यहाँ भूमध्य रेखा पर कहीं पर भी भूमध्य रेखा पर आपको दो देशांतर रेखाओं में मैक्सिमम दूरी पता चलेगी और मिनिमम दूरी आपको ध्रुवों पर पता चलेगी। समझ पा रहे हैं? तो मैक्सिमम दूरी क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम दूरी जो है वो 111.33 किलोमीटर होगी जो कि विषुवत रेखा पर रहेगी। समझ पा रहे हैं? और इसी प्रकार से जो मिनिमम दूरी रहेगी बच्चों वो 0.33 किलोमीटर रहेगी। ये कहाँ पे रहेगी? ये रहेगी ध्रुवों पर। ध्रुवों पर बच्चों, और ये जो है ये कहां रहेगी? विषुवत रेखा पर। समझ पा रहे हैं जी? हमने यहाँ पे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में समझने की कोशिश की है। अब बात आती है बच्चों, पहले हम समय मानक को देखें, तापमान हम बाद में देखेंगे। समय मानक होता क्या है बच्चों? समय मानक जो है एक बिंदु है जिसके द्वारा जो है हम किसी भी देश की जो है या फिर पूरे राष्ट्र की जो है वो समय निर्धारित करते हैं। पहले बच्चों समय मानक के लिए 1 डिग्री देशांतर को निर्धारित किया गया था, जिसके कारण जो है उसमें कुछ कमियां रहेंगी और उसको फिर बाद में बदल के 0 डिग्री देशांतर कर दिया गया। और ये क्यों किया? क्योंकि जैसे पहले 1 डिग्री देशांतर था तो उसकी वजह से जो है एक राष्ट्र में अलग अलग समय मानक निर्धारित होते थे, तो एक राष्ट्र में एक ही समय मानक निर्धारित करने के लिए हमने यहाँ पे 0 डिग्री को जो है वो समय मानक प्रमुख समय यामयोतर, प्रमुख समय यामयोतर या फिर प्रमुख समय टाइम प्रधान निर्धारित किया गया 0 डिग्री देशांतर को, जो कि कहाँ है? जो कि ग्रीनविच में है बच्चों। ग्रीनविच कहाँ? इंग्लैंड में, लंदन के पास। समझ रहे हैं? लंदन के पास जो है एक स्थान है ग्रीनविच, वहां से आप जो है प्रमुख समय यामयोतर हमने निर्धारित किया है। समझ पा रहे हैं जी? अब उसी 0 डिग्री के हिसाब से जो है हमने जो है वो भारत का भी समय निर्धारित किया है। हम भारत के निवासी हैं, इस वजह से जो है हम भारत के समय यामयोतर के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, ये जो पश्चिमी हिस्से के कौन सा राज्य है? वो है गुजरात। और पूर्वी हिस्से पर बच्चों वो है अरुणाचल प्रदेश। समझ पा रहे? अब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में जो डिफरेंस है ना बच्चों, वो 1 घंटा 45 मिनट का है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है यहाँ पे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। अगर यहाँ पे हम ये देखें कि मान लो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में अब 5 बजे हो गए हैं, तो गुजरात में उस समय कितना टाइम होगा? 7 बजे होंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक ऐसा बिंदु निर्धारित किया है जिसके आधार पर गुजरात में भी वही टाइम लिखा है और अरुणाचल प्रदेश में भी वही टाइम लिखा है। तो हमने ऐसा बिंदु भारत के बीच में लिया है जो कि 85 डिग्री निर्धारित किया गया है।
82 डिग्री निर्धारित किया गया है, और वो जो 82 डिग्री निर्धारित किया गया है वो आपके यूपी के नैनी गांव में है। बच्चों यूपी में एक छोटा सा गांव है नैनी गांव, उस नैनी गांव में ये 82 डिग्री निर्धारित किया गया है। समझ पा रहे हैं? अब एक बात और आती है, समय मानक में हम देखते हैं कि जो पूर्वी जो देश होते हैं, जो पूर्वी, ये जो आपने 0 डिग्री देशांतर देखा है, 0 डिग्री देशांतर से इधर का जो एक क्षेत्र है ये पूर्वी देशांतर है, और उधर का जो है वो पश्चिमी देशांतर है। जो पूर्वी देशांतर है बच्चों, जो 0 डिग्री देशांतर से इधर के जो है, यहाँ पर समय जो है वो प्लस में है, और उधर जो समय है वो माइनस में है। वो कैसे रहेगा? जैसे कि आपने देखा कि इंग्लैंड जो है उसका जो समय मानक है वो 0 डिग्री है, और भारत का जो समय मानक है वो 82 डिग्री है। और बच्चों इतना डिफरेंस होने के बावजूद, 82 डिग्री का डिफरेंस होने के बावजूद, यहाँ के जो टाइम में जो डिफरेंस है ना वो 5.5 घंटे का डिफरेंस है। समझ पा रहे हैं? अब बच्चों 5.5 घंटे का डिफरेंस कैसे है? हम जो है हम उधर से इंग्लैंड से 5.5 घंटे एडवांस पहले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सूरज पहले निकलता है कंपेयर टू इंग्लैंड। इंग्लैंड की अपेक्षा जो है हमारे यहाँ सूरज पहले निकलता है। समझ पा रहे हैं जी? इस प्रकार से जो है हमने देखा कि समय मानक क्या है, देशांतर और अक्षांश क्या है। अब बात आती है बच्चों तापमान की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 63.5 डिग्री जो है वो अर्कटिक वृत्त, या फिर 63.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में जो अंटार्कटिक वृत्त, इनका क्या महत्व है? इनका महत्व जो है वो तापमान में है बच्चों। समझ पा रहे हैं बच्चों? आप जो है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे आपने कर्क रेखा और अक्षांश मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो मध्य है, ये जो आपने कर्क रेखा देखी और ये मकर रेखा देखी, इसके मध्य का जो क्षेत्र है बच्चों, वो क्षेत्र कैसा है? वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब वो जो है वो गर्म क्षेत्र है, वहां पर गर्मी अधिक होती है। समझ पा रहे हैं? और उसी प्रकार से आपने देखा कर्क रेखा से नीचे मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक होता रहता है, गर्मी सर्दी जो है वहाँ पे दोनों ऋतु में प्राप्त होंगी। समझ पा रहे हैं? जैसे कि उष्णकटिबंधीय ने कहा वहाँ पे सिर्फ और गर्मी की ऋतु है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है, वहाँ पर सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ेगी। समझ रहे हैं? जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब पे जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है, वहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी गिरती है। बिल्कुल सीधी गिरने की वजह से जो है यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा तो यहाँ पे गर्मी अधिक होगी। एक बात और, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पे दोपहर के समय सूर्य जो है वो बिल्कुल सिर के ऊपर रहता है। समझ रहे हैं? और उसी प्रकार से मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच 23 डिग्री दक्षिण
चांस के बीच का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण क्षेत्र है, वहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता रहता है। और इसी प्रकार से आर्कटिक ब्रिज से 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो है ध्रुव तक का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है वो शीतकाल होता है, वहाँ पर जो है वो हमेशा सर्दी होती है। समझ पा रहे हैं बच्चों जी? तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ग्लोब पे जो है वो तापमान भी अलग अलग प्रकार से होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आएगी, पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप लोग जो है आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है समय समय पर जो भी वीडियो बनती है उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप लोगों का जो भी डाउट होता है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें ताकि हम जो है वो आपका डाउट क्लियर कर सकें। थैंक यू।